बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मिशन एक्सेलेंस आपने दिया, हम भी एक बार जोरदार तालियों से मिशन एक्सेलेंस को अपना समर्थन और अपना सहयोग दें। दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। इन पंक्तियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अशोक कुमार जी, और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हमारे इतने प्रतिभाशाली सभी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब पहला मेडल एक स्पोर्ट्समैन लेके आता है तो उस वक्त पहले मेडल तक उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको कोई कहीं से सहारा नहीं मिलता, घर से भी दुत्कार मिलती है, माँ बाप कहते हैं कि पढ़ ले कुछ बन जाएगा, खेलने से क्या होगा, सरकारें भी कोई मदद नहीं करती, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितने खिलाड़ियों ने वो मेडल लाए उनके संघर्ष को सलाम है, जो बिना किसी मदद के और उल्टे इतनी इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, बिना किसी मदद के इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम चमका पाए। एक बार मेडल मिल जाता है फिर तो बहुत लोग हो जाते हैं, इस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, उस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, ये दिया वो दिया, फिर तो सारे उसके साथ उसकी उसके नाम और शोहरत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया था कि जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है उसको वो मदद पहुंचाने के लिए, कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते वो सारा। तो ये मिशन एक्सीलेंस ये शुरू किया गया था कि ऐसे खिलाड़ियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो पहले मेडल की तैयारी कर रहे हैं या एक दो मेडल राष्ट्रीय स्तर पे ले चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम किस तरह से मदद करें ताकि वो उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद खुशी है, पहले साल में हम लोगों ने 117 ऐसे खिलाड़ियों को मदद दी थी और आज 60 ऐसे खिलाड़ियों को चेक बांटे गए हैं जो कि मिशन एक्सीलेंस के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, और अलग अलग रकम सब लोगों को दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, एक 4 मेंबर की कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी, जो कि चारों स्पोर्ट्समैन है, वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है, 16 लाख रुपए में किसी को पूरे 16 मिल जाते हैं, किसी को 14, किसी को 8, किसी को कितने, किसी वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और मॉनिटरिंग कमेटी देखती है कि किसको कितने की ज़रूरत है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे 60 खिलाड़ियों को आज चेक दिए गए लगभग 9.5 करोड़ रुपए के। अब मैं समझता हूँ, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा था कि अब बारी आपकी है, अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, अब आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, अब आप मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, देश का नाम आपको रोशन करना है, दिल्ली ज़रूरी नहीं है, देश ज़रूरी है, देश का नाम अपने को रोशन करना है। हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में 2nd नंबर पे पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोगों का देश है, और देश में हुनर की कमी नहीं है किसी भी तरह की, बहुत लोग हैं हुनर वाले,
बहुत लोग हैं। मैं तो कई बार ये देखता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब बत्ती गाड़ी रोकते हैं तो कई भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। वो एक गोला सा चक्कर होता है और उसके अंदर कैसे फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है, वो उसके अंदर से यूं राउंड राउंड। मैं सोचा था इन्हीं को पकड़ कर जिमनास्टिक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजा जाए। उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी कहाँ मिलेगी। तो हमारे देश में हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को परखने की और उसको हिम्मत और उसको सहायता देने का सिस्टम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि तीन किस्म की कमी है पूरे एजुकेशन सिस्टम, इस स्पोर्ट्स सिस्टम में। एक तो है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बड़े गरीब हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और कोई उनकी मदद नहीं करता। तो उसको दूर करने के लिए अब हमने ये मिशन एक्सेलेंस शुरू किया है कि इसकी कमी नहीं होने देंगे, हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे आपको, डाइट के लिए, आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए जो पैसा चाहिए हम देंगे आपको। दूसरी देश में कमी है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है, ट्रैक नहीं है खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, या स्टेडियम है तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है। उसको अब दूर कर रहे हैं, जैसा अभी मनीष जी ने बताया, बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में जगह जगह एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, ये वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में इसका स्पोर्ट्स में है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आदमी में लियाकत है, आदमी में बहुत टैलेंट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो पता चलता है कि फलाने फलाने नेता का फोन आ गया, फलाने फलाने की सिफारिश आ गई, फलाना फलाना जो सिलेक्शन कमेटी है वो गड़बड़ है। और मैंने कई जगह देखा है कि बहुत अगली किस्म का सिलेक्शन होता है कई जगह, उसमें तरह तरह की सिफारिशें और इंटरफेरेंस रहता है, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ये जितने सेलेक्ट किए गए इसमें ना तो कोई मेरा भाई भतीजा और ना मनीष जी का भाई भतीजा, सारे सारे अपने टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किए और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो इन तीनों जो प्रथाएं अपने देश के अंदर हैं, कुप्रथाएं अपने देश के अंदर, कमियां हैं, उसको दूर करने की हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश को ज़्यादा मेडल मिले, 130 करोड़ लोगों का देश, जब ओलंपिक्स में मेडल लेने की बात आती है तो गिने चुने दो चार मेडल लेके आते हैं हम लोग। हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, हमारा सपना ये है। हमें जितने मेडल आज चाइना और अमेरिका लेके आते हैं उससे ज़्यादा मेडल लेके आने हैं अपने को, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स हमने शुरू की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में अभी पहला टाई अप हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ हमने समझौता करार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन दुनिया की स्पोर्ट्स के मामले में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है। तो वहाँ से शानदार कोचेज, किस्म किस्म के हमें गाइडेंस, हमें किस्म किस्म के एसओपी, बहुत किस्म की हमें मदद मिलेगी। वो एक तरह से इस यूनिवर्सिटी को, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे, ताकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके जा सकें। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसका नाम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली दिल्ली वालों की नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की है। हमारा मकसद है कि पूरे देश से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाएं, उनके हुनर को और चमकाएं और उनके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम खेलने का मौका दें। और ये अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि कुछ तो ऐसे भी स्पोर्ट्समैन आएंगे जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, उनके हुनर को और फाइन करना है, लेकिन 6ठी 7वीं क्लास से बच्चों को स्कूल में लिया जाएगा, जिन बच्चों के अंदर थोड़ा हुनर उनको स्कूल में लिया जाएगा, स्कूल में उनको खेलने का मौका दिया जाएगा, फिर उनको तैयारी स्पोर्ट्समैन के लिए किया जाएगा, उनको BA, MA, MA इंग्लिश, कॉमर्स, मैथमेटिक्स इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, उनको BA स्पोर्ट्स, BA क्रिकेट, BA कबड्डी, तो BA की डिग्री उनको कबड्डी में और क्रिकेट में मिलने शुरू हो जाएगी। तो उनका काम ही एक, ये बड़ी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को कि भाई अगर तो स्पोर्ट्स करा और स्पोर्ट्स करते करते पढ़ाई छूट गई, BA नहीं कर पाए, तो फिर अगर खेल में भी नहीं हुआ तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी में तो पूछते हैं दूसरी नौकरियों में, भाई BA पास के डिग्री कौन सी है, उसमें तो होता है ना BA है कि MA है। अब वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब कबड्डी खेलो,
कुश्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, तो आपको बीए की डिग्री उसी में मिल जाएगी। तो आप बीए की डिग्री अगर मिल गई तो फिर आप नौकरी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। भगवान करे स्पोर्ट्स में आप खूब तरक्की करो, लेकिन बाई चांस स्पोर्ट्स में नहीं हो पाए तो नौकरी का जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ, आपको नौकरी भी मिलेगी। तो एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट देश में हम लोगों ने शुरू किया है, तो एक काफ़ी सारे कई स्तर के ऊपर शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली देश का नाम रोशन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम रोशन करेंगे हम लोग, जिस किस्म का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आज जिन जिन लोगों को मदद मिली है, मैं उन सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें और सब लोग खूब मेडल लेके आएं और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल मिशन एक्सीलेंस के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने संबोधित किया, आपको अब देश के लिए खेलना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, देश के लिए खेलें। हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है, हुनर को पहचानने की जरूरत है और हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी चीन और अमेरिका से भी ज्यादा पदक लेकर आएंगे।